क्या है? आप मेरे लालू दादा जी के बेटा। अरे और उसके अलावा क्या है? हम पर्यावरण मंत्री। वाह, बहुत टैलेंटेड लड़का हो। बिहार का नाम रोशन करना है तुमको, करना है ना? ओके करूँगा। क्या बनोगे बड़ा होके? एक अच्छा कलाकार। अब तुम कलाकार हो, तुम भी अपना कला दिखाओ हमको। हाँ, सुनाता हूँ। मेरे मेरे पिताजी का आवाज। हाँ, हाँ। मेरा तो फेमस हुआ था डर मोदी बोला के पता है, मुजफ्फरपुर पता है, एयरपोर्ट पे हवाई जहाज उतारेगा। अगर जाकर देखो हो, जाकर देखो वहाँ पर हवाई जहाज नहीं कर रहा है, वो जंगल हो गया है, भैंसी लोग उतर रहा है। इसीलिए कहते हैं आपका सरकार बढ़िया रखना है तो काम करो, नहीं तो हमारा सरकार लाओ, हम आएंगे तो एरोप्लेन कर सब कुछ उठा लेंगे वहाँ पर, और आएंगे तो बिहार को चमका देंगे चक चक। हमारा दिल्ली, हमारा बिहार से लेकर दिल्ली तक सरकार चलेगा। कहना चाहता हूँ हमारा 7 बेटी और 2 बेटा, लालू अराब 11, 15.5 से गुना कर दो, 1 करोड़ का लाखोगे बल्कि चाहते रहते हैं। यही सपोर्ट अपने के चाहिए। मेरा पूरा सपोर्ट है, तभी ना इसको बुलाया है। तुमको अब आगे बढ़ना है। okay. अगर माँ बाप का नाम रोशन करना, समझ गया? बिहार का नाम रोशन करो। हाँ। अब पेड़ लगाना, पेड़ अपने घर में, पेड़ को बचाना। हाँ, है मैंने नानी का पेड़ लगाया है। हाँ, तो पेड़ को बचाना है, उसको लगाओ, पेड़ लगाओ, ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाओ, और तुम भी लगाओ पेड़। और आप बोले पर्यावरण का, पर्यावरण बचा रहेगा तभी ना हम लोग बचे रहेंगे। अब पर्यावरण नहीं रहेगा तो फिर हम लोग रहोगे क्या करेंगे? इसलिए पर्यावरण का बचना जरूरी है। इसीलिए भैया का सुबह में भी बोले तो पेड़ काट दिया है, धूप कैसे, धूप में छांव कैसे आएगा? हाँ ये बात सही है, पेड़ नहीं काटना चाहिए, पेड़ लगाना चाहिए। पेड़ से कपड़ा मिल रहा है। हाँ, पेड़ से ऑक्सीजन आता है, नीम से आता है, पीपल से आता है, ये सब पेड़ लगाना चाहिए, ठीक है ना? और पेड़ से हमें, जैसे कि मैं अगर आम का पेड़ लगाऊंगा, देखिए आम का पेड़ खाऊंगा, फिर आटी जो होता है उसको वो लगाऊंगा, फिर खाऊंगा, फिर लगाऊंगा, फिर खाऊंगा, ऐसे तो रहेगा।